एक स्टडी में पाया गया कि कम्युनिकेशन के अंदर 7% आपका फीलिंग एंड एटीट्यूड मैटर करता है, 38% के अराउंड टोन एंड वॉइस मैटर करता है, एंड बॉडी लैंग्वेज 55% मैटर करता है। तो तुम मानो ना मानो, या बोलो कि मैं बच जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मेरे यू नो मूव्स को पहचान नहीं सकता, पर याद रखना, तुम बोलो ना बोलो पर तुम्हारी बॉडी हमेशा बोल रही होती है। चाहे तुम बिजनेस करने चाहते हो, चाहे तुम लोगों से कम्युनिकेट करते हो, चाहे किसी को डेट पे लेके चाहते हो, चाहे यू नो किसी भी सिचुएशन में हो, बॉडी हमेशा बोलती हो। तुम टेंशन में हो, तुम एक्साइटेड हो, बॉडी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है। सो इस वीडियो में आज हम लोग एक ग्रेट एक्टर एंड आर्टिस्ट किलियन मर्फी के बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करेंगे इन डिटेल में जाके, और समझेंगे कि इसको हम अपने बेटरमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। मैं इसमें आपके साथ 5 क्लिप शेयर करूंगा थॉमस शेल्बी के, जो कि कैरेक्टर का नाम है, ऐसे रियल नाम इनका किलियन मर्फी है, तो टॉमी बोलते हैं इसको इनके यू नो फ्रेंडली लोग मूवी के अंदर या फिर सीरीज के अंदर, तो मैं टॉमी वर्ड यूज़ करूंगा। तो इनके 5 क्लिप्स जो कि बहुत ही वायरल भी हैं, और इसके थ्रू हम लोग डिकोड करेंगे और इसको समझेंगे कि हम अपने बेटरमेंट के लिए या अपने बॉडी लैंग्वेज को इंक्रीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बस तुमसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि रूम को लॉक कर लो और थोड़ा सीरियस होकर देखना, क्योंकि क्लिप के अंदर मैं एक एक डिटेल के अंदर जाऊँगा, स्पेसिफिक डिटेल के अंदर जाऊँगा, तो तुम्हारा प्रेजेंट रहना इन द मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी लैंग्वेज की चीज़ों को तुम डिटेल में समझ पाओ, इसको अपने फायदे के लिए तुम यूज़ कर सको और अपना कॉन्फिडेंट पोस्चर लोगों के आगे दिखा सको या लोगों के इंटेंशंस को समझ सको थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज। तो ये रहा पहला क्लिप, चेक दिस आउट। ये क्लिप बहुत वायरल हुई है, नो डाउट इन दैट। इसमें टॉमी के आई कांटेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया है, तो तुम एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि हम लोग जनरली आई कांटेक्ट कैसे करते हैं। 2 तरीके जनरली हमारे होते हैं, या तो हम आंखें बचाते रहते हैं, यू नो छुपते हैं, डरते हैं, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, पोस्चर सही नहीं होता हमारा, कोई भी रीज़न होता है, बट हम आंख बचाने की कोशिश करते हैं, या फिर ज़्यादा घूरने लगते हैं, सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करवा देते हैं। पर आप यहाँ पे टॉमी को देख रहे हो कि उनके आई के लिड्स बहुत खुले नहीं हैं, बहुत बंद नहीं हैं, नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं। इस तरह वो ये दिखा रहे हैं, ना मैं डरता हूँ, ना मैं किसी को डराता हूँ, पर जिस एरिया में मैं होता हूँ उस एरिया पे मैं डोमिनेंस रखता हूँ। और इसके साथ ये मैसेज भी जाता है दैट ही इज वेरी वेरी स्टेबल। अभी आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हो पता है, क्योंकि अभी आप बहुत तो बोलोगे सर हम भी आई कॉन्टैक्ट अच्छा कर सकते हैं, पर आप इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग समय तक। एंड द रीजन इज अभी आपकी बॉडी शांत नहीं है। शांत होने का मतलब क्या है? आप इमोशनल हैं, आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी लैंग्वेज ही हड़बड़ी वाली है, कोई भी काम को बहुत हड़बड़ी में करते हो, लाइक ये काम छूट गया, बॉस का ये काम नहीं हुआ, अब इतना सारा पढ़ना है, जिम जाना है, यू नो ये खाना है, वो करना है, मस्ती करना है, आप स्टेबल नहीं हो। टॉमी को आप अगर पूरे वेब सीरीज में ऑब्जर्व करोगे, ही इज़ वेरी स्टेबल पर्सनैलिटी। उसको फर्क नहीं पड़ता उसके सामने कितनी सुंदर लड़की आ रही है, कितना बड़ा कोई जाइंट टाइकून बिजनेसमैन आ रहा है, वो अपने आप को ओन करता है। He know his power, he know his potential, he know himself. तो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको शेयर कर रखा है, प्लीज़ लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, सीखिए मेडिटेट करना। मैंने इसके बारे में बहुत वीडियोज़ में बात किया है, एक बार जाइए कैसे आपको काम डाउन करते हैं। हर दिन 10-15 मिनट 20 मिनट जब बैठना सीख जाओगे ना, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। और मान लो हमारा लाइफ क्या है, हमारा लाइफ है क्या, तुम अगर सोचोगे अच्छे से तो डिसीजन मेकिंग है ना हर वक्त। तुम सुबह उठ के सोचते हो बेड से उठो कि नहीं, सुबह उठ के फिर सोचते हो लोगों से मिलने जाओ कि नहीं, ब्रश में कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करूँ, नाश्ते में क्या खाऊं, हर मोमेंट आप डिसीजन ले रहे होते हो। और अगर आप शांत रह सकते हो तो आप एक क्लियर थिंक करो, आप डिसीजन को एग्जैक्टली देख पाओगे क्लियर की तरह, और फिर आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती दिखेगी, आप उस जगह उस एरिया को ओन करोगे। तो इसी के साथ आप जो मैं रूल को फॉलो करता हूँ, दैट इज कॉल्ड 51 रूल ऑफ 51 मैं यूज़ करता हूँ फॉर आई कॉन्टैक्टिंग। आप ये कर सकते हो, इसका मतलब होता है जब किसी से बात करो तो कंटिन्यू घूरना भी नहीं है, आपको उनको 5 सेकंड के लिए देखना है और 1 सेकंड के लिए नेचुरल आई शिफ्ट लेना है, मतलब नेचुरल तरीके से। जैसे कि राज, मैंने तुमको एक कॉपी राइटिंग का काम दिया था और ये काम कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, अगर हम थोड़ा भी लेट हो गए ना तो समझो कि हमें डील नहीं मिलेगा, बहुत चीज़ें खराब हो सकती है, सो तुम्हें अच्छे से काम करना है। तुम देख पा रहे हो कि मैंने नेचुरल सा एक शिफ्ट लिया, थोड़ा सा आई क्लोज किया, फिर वापस मैं आ गया ट्रैक पे। इससे ऑफेंसिव भी नहीं लगता है और आप कमांडिंग में भी लगते हो और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन भी दिखते हो। इसके साथ मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब यू नो आई कॉन्टैक्टिंग की बात हो तो एक चीज़ को आप और याद रखना कि आपको अपने आप को ओन करना सीखना पड़ेगा। अभी आप अपने आप को ओन ही नहीं करते हो,
लाइक मेरी नाक अच्छी है कि नहीं, मेरे दांत अच्छे हैं कि नहीं, मेरी आंख अच्छी है कि नहीं, मैं यू नो मेरी बियर्ड शेप में लग रही है कि नहीं, मेरे हेयर कटिंग अच्छा है कि नहीं। आप ओवर ऑब्सेस्ड हो खुद के साथ। खुद सोचो ना, कोई लड़की है बहुत ब्यूटीफुल है, आप सामने वन ऑन वन बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आंखों में आंख डाल रहे हो, लेकिन आपकी आंखें भटक रही, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, आप आंख नहीं मिला पा रहे हो। आप अपने इनसिक्योरिटीज़ को याद कर रहे हो, यार मेरी आंखें इतनी सुंदर नहीं है, यार मैं इतना गोरा नहीं हूँ, यार मेरी यू नो मेरे यू नो दाढ़ी इतने अच्छे शेप की नहीं है। क्या हो, तुम अपने आप को डेली आईने में देखते हो। मैं बोलूँगा डेली आईने वाला प्रैक्टिस करो, जो मैं मिरर प्रैक्टिस करता हूँ। अपने आप को आईने के आगे 2-3 मिनट के लिए देखो, बस देखो, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना सीखो। कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी ये कमियाँ हैं, एंड दैट्स इट, टोटली ओके। इस तरह जब तुम किसी से बात करोगे ना, तुम ओन करोगे, तुम आंखों में आंखें डालकर उस इंसान को भी जीत लोगे और उस जगह को भी। इस तरह मिरर प्रैक्टिस करके रियल लाइफ में भी जीतना सीखो। नाउ सेकंड वाला क्लिप आप चेकआउट करो। वैसे ये मेरा फेवरेट बन गया है, क्यों है मैं समझाऊंगा इसको। हैप्पी और सैड? सैड। ओके, बट आई वार्न यू, आई ब्रेक योर हार्ट। ऑलरेडी ब्रोकन। तो इस क्लिप में तुम क्लियरली ये चीज देख सकते हो। तो टॉमी क्या कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो उनका वॉइस काफी डीप है, यू नो जब तुमने वर्ड सुना होगा ऑलरेडी ब्रोकन, ये बहुत डीप है, इससे बात का इंपैक्ट बहुत डीप जा रहा है। लेकिन आपको इसके साथ एक चीज समझना है कि जब आप ऐसे बात करोगे तो एक चीज का बस इंश्योर रखना कि ऐसे आपको बात ज्यादातर तब करना है जब आपको अपनी डोमिनेंस या अथॉरिटी दिखानी है। जैसे कि मैं बहुत बार ऐसी बात करता हूँ, वैसे ये तो मेरा पार्ट बन चुका है, मैं ऐसे ही अब बात करता हूँ थोड़ा यू नो अपनी वॉइस को डीप करके। तो लड़को जब आप बात करो तो मुंह से नहीं बोलो, यहाँ से बोलने की कोशिश करो, लाइक रोहन तुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करेगा तो तेरा ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, तो इसको ट्राई ज़रूर कर तू। यहाँ से कोशिश करो बोलने की। और लड़कियाँ आप अपनी फेमिनिज्म को ओन कीजिए, आप अपनी वॉइस को हाई पिच रखिए। जैसे आप इस क्लिप में ही देख पा रही होंगी कि ग्रेस ऐसे ही बात कर रही है, बिल्कुल हाई पिच वॉइस दिखाते हुए शर्मा नहीं रही है। ऐसा नहीं कि उनको वॉइस से कम्पीट करना है तो वो भी अपने आप को बहुत हार्ड एंड टफ दिखा रही हैं। आज की दुनिया में ये बहुत फेक चीज़ बेचा जा रहा है, बिलीव मी, ये जो फेक फेमिनिज्म चल रहा है ना, आई कांट एक्सप्लेन, अभी बहुत लंबा हो जाएगा ये टॉपिक, लेकिन रियल फेमिनिज्म इज इंपॉर्टेंट, ये सबकी डिमांड है। इवन मैं भी फेमिनिज्म को दिल से खुले दिल से सपोर्ट करता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, पर कुछ लड़कियाँ या कुछ वुमेन इसके अंदर बहुत गलत यूज कर रही हैं चीज़ों को, इन राइट्स को, जो कि नहीं सही है। क्योंकि फेमिनिज्म इज मोर अबाउट इक्वालिटी और ये गलत कहीं से नहीं है। आपको बहुत वक्त से, बहुत सदियों से लड़कियों को दबाया गया है, चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा सकता है, टोटली आई एम सपोर्ट विद दैट, बट कुछ लड़कियां इन चीज़ों का बहुत गलत फायदा उठा रही है। बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, अभी नहीं जाते डीप में, मैं आपको भी पॉइंट पे लेके आता हूँ। और इसी के साथ तुम अगर एक्ट्रेस के बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करोगे तो पहला थिंग है कि दैट शी इज ऑन द चेयर, जिससे वो ये दिखाना चाह रही है कि वो अथॉरिटी में। जब कोई भी इंसान देखना कोई पब्लिक स्पीकिंग करता है या कोई अथॉरिटी से बात करता है तो आप देखते हो कि वो स्टेज पे जाता होगा, वो एक स्टेप ऊपर होता है। इवन अगर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग भगवान को अपने से ऊपर रखते हैं, इसका मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि दैट वी रिस्पेक्ट यू। और इसे ये भी दिखता है कि सामने वाला एक कमांडिंग पोजीशन में, तो यहाँ पर ग्रेस भी चेयर को लेके हाई पोजीशन पे चली गई है। और जब वो बात कर रही है आप एक चीज नोटिस करोगे कि वो एक लाइन यूज कर रही है, आई वार्न यू, आई ब्रेक योर हार्ट, तो उस वक्त वो अपना हाथ को बिल्कुल क्लोज करके पकड़ी हुई है। इसका मतलब वो जानती है शी इज हैविंग अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज, इसका मतलब वो दिखा रहा है कि वो जानती है कि वो टॉमी को चीट करने वाली है, उसको ये पता है कि वो मिशन पर है। एक्चुअली में ग्रेस एक मिशन पर है और टॉमी को लगता है कि शी इज इन टू लव विथ हिम, पर एक्चुअली में वो प्यार में गिर भी जाती है उसके लिए, पर वो एक्चुअली में एक मिशन पर है। उसको लगता है कि यू नो एक लंबा कहानी है, उतना मुझे भी याद नहीं, पर ऐसा कुछ है कि उसको लगता है कि उसके फादर का जो किल हुआ है वो ये थॉमस की फैमिली ने, ऐसा कुछ हुआ है। जो रियल कहानी क्या है मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा कुछ है, तो ग्रेस टॉमी से प्यार तो कर बैठती है पर उसका मिशन उसके दिमाग में हर वक्त चल रहा होता है, तो वो जानती है कि उसको चीट करने वाली है, उसका हाथ हमेशा ऐसा क्लोज आप देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ जो मेरा फेवरेट थिंग है जो टॉमी यूज कर रहे हैं, विच इज साइलेंस एंड पॉज। टॉमी कभी भी बात करते हैं ना पूरी सीरीज के अंदर, आप इसलिए उनसे इंप्रेस हो गए बिकॉज ऑफ हिज साइलेंस एंड पॉज एंड द वे ही कम्युनिकेट्स। एक लीडर की पूरी उसके अंदर यू नो क्वालिटी है, लीडर कैसे बात करता है, उसकी बातों में सेंस ऑफ कमांड होता है, जब वो बोलता है तो लोग उसको सुनते हैं, इस तरह से टॉमी बात कर रहे हैं। तो यहां पे भी आप देखोगे इस क्लिप के अंदर कि जब टॉमी से वो पूछती हैं या वो बोलती हैं कि आई नो दैट आई विल ब्रेक योर हार्ट, तो टॉमी कैसे बोलते हैं कि ऑलरेडी ब्रोकन, उसके बाद एक पॉज में चले जाते हैं। इसका मतलब ऑलरेडी ब्रोकन वाले वर्ड को हम लोग सेंस करें, फील करें,
कि आपने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है, यू नो यू डोंट नीड टू डू दैट। तो ये चीज़ फील करवाने के लिए आपको भी अपने वर्ड को अगर इफेक्टिव बनाना है तो पॉज के मास्टरी करो। मान लो मैं कोई बात किसे कह रहा हूँ, तुम्हें ये करना चाहिए और ये करने से मेरा कोई फायदा नहीं है, लेट मी टेल यू फर्स्ट, इससे तुम ही बेटर बनोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह आप पॉज देके सामने वाले को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देते हो, सामने वाला समझता है आपकी बातों को। लेकिन क्या हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम नहीं करोगे तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, तुम्हें ये करना ही चाहिए, इससे आप एक लूजर दिखते हो, कमांड आप लूज करते हो, आपकी बातों में वो दम नहीं रहता। तो इस तरह आपको ये समझना है। तो मैं ये करने की कोशिश करता हूँ जो टॉमी कर रहे हैं, जब ग्रेस उनसे बोलती हैं, आई टोल्ड यू आई ब्रेक योर हार्ट, ऑलरेडी ब्रोकन। एक्टिंग मत पकड़ो पर मीनिंग को समझो, ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। आंखों से खेलना, पॉज लेना, साइलेंस रहना, वर्ड्स को पिक करना, पिच को लो रखना एज अ मैन, ये सब चीजें आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखाती है इन द गेम ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इन द गेम ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये थर्ड क्लिप देखो, इसमें टॉमी के बॉडी लैंग्वेज को हम लोग डीप एनालाइज करेंगे, दैट हाउ ही फेल्ट आफ्टर द यू नो चीटेड बाय ग्रेस। सबसे पहले इस क्लिप के द्वारा ये मैसेज भी है कि रियल मैन क्राई, ऐसा नहीं है कि जो रियल मैन होते वो रोते नहीं है, जो अल्फा सिग्मा बांटा जा रहा है दे आर ब्रूटल, नहीं नहीं नहीं, अगर उनको किसी से प्यार है, वो इमोशनली कनेक्टेड है किसी के साथ या किसी इंसान किसी चीज़ के साथ, तो उनके जाने पर उनको दुख होता है। ये चीज़ ये साफ ये दिखा रहा है, क्योंकि टॉमी एक पावरफुल कैरेक्टर है पूरे सीरीज के अंदर। If he is crying, then there is some deep reason. Now, पहली चीज समझते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज में कि जब हम किसी मेमोरीज को याद करते हैं ना, तो हमारी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। ये एक तरीका होता है जिससे ब्रेन आंख बंद करके सारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को अपने आंखों के आगे से हटा देता है और ब्रेन अपने अंदर जाके सोचता है उन मेमोरीज के बारे में। तो जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, यू नो बुरा फील करते हैं, तो याद करो कैसा फील करते थे, शिट हो नहीं पाया यार, बहुत ट्राई किया था, तो आंखें बंद हो जाती हैं, आप एक मेमोरीज में चले जाते हो, ब्रेन कुछ पास्ट पैटर्न्स बनाने लगता है, कुछ मेमोरीज को लाइव करता है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर। दूसरा, आप देखोगे जब वो ऐसी सोच रहे हैं, उनका सर ऊपर है, और जब हम कुछ यू नो फील करते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, या जब भी हम फियर में खुद को पाते हैं, बेसिकली हम एज ए ह्यूमन फियर को अवॉइड करना चाहते हैं, यू नो जब हमारे ऊपर, जब हम पुराने यू नो जमाने में थे, हमारे ऊपर लाइंस अटैक करते थे, ट्राइबल्स अटैक करते थे, हमारा सर्वाइवल मुश्किल था, तो जब भी हम फियर में आते हैं तो हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है। अब देखते हो कि हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट चलने लगती है और बहुत शॉर्ट होती है, तो ऐसे आप यहाँ भी देख रहे हो कि टॉमी ऐसे कर रहे हैं तो उनकी ब्रीदिंग कम पड़ रही है, तो यहाँ से जोर लगा रहे हैं, ऐसे देखो, ये देखो, मतलब ज़्यादा ब्रीद लेने की कोशिश कर रहे हैं पर स्टिल ब्रीद आ नहीं पा रहा है। तो जब भी ऐसा कोई टेंस सिचुएशन होता है, फियर होता है, तो हम ऐसा फील करते हैं। इवन आपने ये चीज़ फील किया होगा जो मैंने किया था आज से कुछ यू नो साल पहले, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था शुरू में, तो मुझे डर लगता था स्टेज पे, ऑनेस्टली। तो जब स्टेज पे मैं गया था तो मेरा ब्रीदिंग शॉर्ट होने लगा था, मुझे याद है, मैं इतना मेरा गला सूख गया था कि आई वॉज आस्किंग फॉर वाटर। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप जब स्टेज पे जाते होगे तो आपका गला सूखने लगता होगा, लगता होगा कुछ यू नो मिस हो रहा है, आप इवन हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये सब साइंस है कि आपके बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ गया है और आप फियर मोड में, यानी फियर और फ्लाइट मोड में है, जो कि बेसिक सर्वाइवल मैकेनिज्म है बॉडी का। इसी के साथ एक चीज और आप नोटिस करोगे कि टॉमी जब गुस्से के मूड में है, बिल्कुल आप भी ऐसा करते होगे जब गुस्से के मूड में, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है ग्रेस को प्यार करने का और वो चीट हुए हैं, क्योंकि ये गलती किसी और की वजह से नहीं हुई है, ये हमारी वजह से हुई है, तो हम किसको ब्लेम करें? हम किसी को मार नहीं सकते, किसी पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, हम चिल्ला नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने दांतों को पीसते हैं, ऐसे देखो, ये देख रहे हो, तो पीसने लगते हैं लाइक यू नो व्हाई आई डिड दिस, ऐसा कुछ करके यू नो ऐसा, ये चीज हम लोग दबाते हैं ताकि दिखाते हैं कि हम एंगर कहाँ निकालें, तो एंगर खुद पे ही ऐसे हम लोग निकालते हैं ताकि अपने आप को थोड़ा काम फील करवाएं और बॉडी एक रिलैक्स मोड में जा सके। और इसी के साथ एट द एंड टॉमी की आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, क्योंकि साफ दिखा रहा है कि आप रियल हो, सिग्मा हो, आप अटैच हो, तो यू विल, आप बुरा फील करोगे। तो ये चीज़ सोसाइटी ने गलत बेचा है कि रियल मैन रोते नहीं है, मैं भी रोता हूँ, सब रोते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हो या कुछ रीज़न हो जो एक मैन को तोड़ सकता है, वो होते हैं अपने, और अपने अगर यू नो धोखा देते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो रियल मैन भी रोते हैं, वो भी अच्छा फील नहीं करते हैं, दैट्स अ रियलिटी। अब ये क्लिप देखो, ये क्लिप सिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको भी सिडक्शन की कुछ चीज़ें सीखनी है, ट्रिक्स, उसके लिए अच्छा है। सो क्लिप को अच्छे से देखो एक चीज, फिर मैं तुमको समझाता हूँ। I'm sorry I came unannounced. What do you want? We need proof. Proof of what?
पहला तुम देखोगे टॉमी बिना पूछे, क्योंकि वो एक मिशन पर है, एंटर कर जाते हैं और वो उसके पास जाकर नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर उसके पास जाकर बैठते तो वो इस चीज़ को कंफर्म करते कि वो तातियाना के कंट्रोल में है और डोमिनेंस की हायर की तातियाना संभाल रही है। पर एक्चुअली में टॉमी ऐसे रूम में घुसते दैट ही इज केयरलेस, वो एक मिशन पे है, उनको कोई लड़की सेड्यूस नहीं कर सकती, वो अपने मकसद पर आ रखे हैं। वो रूम में जाते हैं और तातियाना से एक दूरी बनाकर एक डिस्टेंस पे खड़े हैं, जो साफ दिखा रहा है कि मैं अपने एरिया का किंग हूँ और मुझे डोमिनेंस दिखाने के लिए किसी के अंदर झुकना नहीं पड़ता, मैं खुद डोमिनेंस को ओन करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो लाइन कहते हैं ना, हम जहाँ भी जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बेसिकली टॉमी आप यही दिखा रहे हैं कि मैं अपनी डोमिनेंस खुद बनाता हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ। अब सेकेंड पॉइंट में समझो, इसमें कोई शक नहीं है कि तातियाना बहुत अट्रैक्टिव है, सिडक्टिव है, उनका चार्म किसी भी मैन को अट्रैक्ट कर सकता है और टॉमी एक्सेप्शन नहीं है। और वीडियो के बीच में अगर लड़कियाँ कोई सुन रही हैं तो मैं मेन के एक डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ, जो लड़के भी जानते हैं कहीं ना कहीं, दैट नो मैटर को कितना भी बोले मैं सख्त हूँ, मैं बहुत हार्ड हूँ, मैं लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होता, लड़के पिघलते हैं। अगर लड़की अट्रैक्टिव है इवन, क्योंकि लड़कियों को जनरली लुक्स पे ही कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है, तो कोई लड़की अगर ब्यूटीफुल है तो नो डाउट यू नो मेजॉरिटी ऑफ मेल अट्रैक्ट होंगे ही, और मैं भी होऊंगा, आई कांट डिनाई दैट, क्योंकि हम ये नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारे अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं। कोई ब्यूटीफुल लड़की आएगी तो आपके बॉडी में यू नो अच्छे अच्छे हार्मोन्स, डोपामीन, यू नो वो हार्मोन क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन, एक्साइटेड वाला हार्मोन, ये सब रिलीज होंगे ही, यू नो टू अप्रोच हर, टू टॉक टू हर। ये इवोल्यूशन का खेल है, ये हम नहीं कर रहे हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते ही हैं। तो लड़के अगर कोई क्लेम कर रहे हैं तो लड़कियां आप समझ जाओ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। पर यहाँ पर गेम क्या है ये समझो, एक जो नाइस लड़का होगा ना, जो सो कॉल्ड सबको खुश करना चाहता है, वो अपनी वैल्यू गिरा देगा, वो फटाफट जाएगा मैं कैसे वैसे बात कर लूँ, कैसे यू नो सेक्स अपॉर्चुनिटीज लड़की से निकालूँ, कैसे जल्दी जल्दी इसको अपना बना लूँ। लेकिन रियल मैन जानते हैं कॉन्शियसनेस, मैं जानता हूँ दैट शी इज अट्रैक्टिव, मैं जानता हूँ दैट शी इज ब्यूटीफुल, बट मेरा कॉन्शियसनेस कहता है कि मैं अपने आप को बेच नहीं सकता, मैं अपनी वैल्यू नहीं तुरंत में गिरा सकता, पहले मैं इसको जानूँ तो, इसका लुक ही मेरे लिए सब कुछ नहीं है, इसका कैरेक्टर कैसा है, एज अ गर्ल शी इज मेच्योर और नॉट, एज अ गर्ल शी इज कंपेटेबल विथ माई थॉट्स और नॉट, ये सारी चीज़ें कॉन्शियसनेस से आती है और ये एक मेच्योर, एक अवेयर मैन जानता है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि अट्रैक्शन तो बेसिक रूल है, ये सबको होता है। एक्चुअली में एक जो नाइस गाई होगा ना, वो हमेशा गुड बुक में रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसको बुरी नज़र से देख ले। तुम देखना वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए उनकी हाँ में हाँ खूब मिलाएगा, उनको ज़बरदस्ती प्लीज करेगा, यू नो कुछ भी करके उसको अपना बनाने के लिए कुछ भी हरकत, कुछ भी चीप हरकत पर उतर जाएगा और सोचेगा कि दैट शी विल बी माइन। बट लड़कियां ये सेंस कर सकती हैं कि कौन रियल मैन है कौन नहीं है। लड़कियां इसके लिए यू नो आज से नहीं, इवोल्यूशनरी टाइम से, हजारों सालों से डिजाइन है, वो समझ सकती है कौन फेक कर रहा है कौन रियल मैन है। और रियल मैन अपनी वैल्यू जानते हैं, वो मान लो कि ब्यूटीफुल लड़की है, बहुत अट्रैक्टिव लड़की है, वो जाएंगे, वो उससे बातें करेंगे, वो उससे बहुत अट्रैक्ट होंगे, वो यू नो सिड्यूस करने की कोशिश भी करेंगे, जो नेचुरल टेंडेंसी है, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको दिख गया कि सामने वाले को या सामने वाली को इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनको समझ में आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है, या चीज़ें आगे अच्छे से वर्कआउट नहीं कर सकती है, दिस मैन विल बैक टू हिज वर्क, वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई आया कोई गया, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़े पर्पस से जोड़ के रखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैन के लिए पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, वरना डिस्ट्रैक्शंस बुलाएंगे, पॉर्न हो, लड़कियाँ हो, वीडियो गेम्स हो, यू नो टाइम पास करना हो, कुछ भी तुम्हें बुलाएगा ही, कुछ एडिक्शन, स्क्रॉलिंग हो, कुछ भी। पर व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, तुम जानते हो कि लड़की अट्रैक्टिव है और मैं इससे अट्रैक्टेड भी हूँ, पर अगर ये मेरे थॉट से मैच करती है, अगर ये भी मुझ में इंटरेस्टेड है, तो ही मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा, मैं फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। इस तरह वो एक सिग्नल देता है कि वो अवेयर है, उसका एक बड़ा सेंस ऑफ पर्पस है, एंड वो उस लड़की को अच्छा फील भी करवा देता है, थोड़ी देर के लिए बात भी कर लेता है, लेकिन वापस ही इज बैक टू हिज ओन वर्ल्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ तुम और देखोगे कि टॉमी अपना सिगरेट जलाता है एंड तातियाना को बहुत घूर के नहीं देखता है, वो ऐसे आता है, वो ऐसे रहता है कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हाई है, और ये सिर्फ रियल मैन ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या वर्थ रखते हैं। तो वो लड़कियों को लेके पागल नहीं होता है, लेकिन लाइक अ नाइस गाय कि मुझे इसे अपना बनाना ही है कुछ ना कुछ करके। और इसी के साथ एक चीज तुम और देखोगे कि I'm sorry, I came unannounced. What do you want? We need proof. Proof of what? टॉमी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा पॉइंट पे आके बात कर रहे हैं, वो ये सब नहीं घुमा रहे हैं कि ओके सो यू आर अलोन इन द रूम, व्हाई यू आर अलोन, यू आर अ गर्ल, यू मस्ट बी सराउंडेड बाई मेन, कुछ
फालतू बात नहीं, देख अप टू द पॉइंट। आप एक चीज को समझो, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं या ऑन द वे टू सक्सेस होते हैं, वो जानते हैं उनका वक्त एक कीमत पर आता है, वो ऐसे सस्ते में अपना वक्त नहीं बांटते हैं। वो बहुत लिमिटेड पीपल को चुनते हैं, वो बहुत लिमिटेड टॉक करते हैं। बहुत सारे लोग जो अनअवेयर होते हैं, जो मिडिल क्लास या मीडियोकर थिंकिंग रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो भाव खा रहे हैं या ज़्यादा अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं, पर वाकई में उनका वक्त एक कीमत पर आता है। वो सबको एंटरटेन नहीं करते हैं, वो जानते हैं पावर ऑफ नो, वो जानते हैं इस दुनिया में सबको खुश नहीं किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट। लिमिटेड लोग को ही खुश किया जा सकता है और उन्हीं पे फोकस किया जाए, सब पे दिमाग लगाने से समय और ऊर्जा की बर्बादी है। नाउ तातियाना के बॉडी लैंग्वेज को देखो, उसके दोनों हाथ एक दूसरे से लॉक है क्योंकि वो गुस्से में है। वो जानती है कि टॉमी ने कुछ यू नो चीज़ें खराब की हैं, पर वो रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, एज टॉमी इज इनटू मोर पावर। और उसी के साथ एक चीज़ तुम और देखोगे कि तातियाना टॉमी के प्यार में थोड़ा बहुत गिर चुकी है। उसके आइज को देखो, घूर नहीं रहे हैं, नॉर्मल नहीं है, कैसे टॉमी पे गरे हुए हैं। टॉमी की बातें या टॉमी का यू नो जो कैरिज्मा है, ओवरऑल प्रेजेंस है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। एंड तातियाना की आंखें फिर टॉमी से हट नहीं रही है, देखना वो बहुत स्लीक लुक हल्के से स्माइल के साथ कैसे उसको देखे जा रही है। और फिर तुम देखो कि कैसे तातियाना उसके पास खुद उठकर चलकर आती है, उसके पास जाके खड़ी होती है, इवन उसको सिड्यूस के लिए आगे बढ़ने के लिए उसके गाल को ये टच करती है, एक लाइट टच, जैसे कि आपको ही फील होता है कोई लड़की अगर आपको लाइट टच करेगी तो आपके यू नो आप थोड़े से अच्छा फील करने लगते हो, थोड़ा सा सिड्यूस फील करने लगते हो। पर टॉमी के एक्सप्रेशन को देखो, न्यूट्रल है, क्योंकि वो जानता है वो सिड्यूस तो हो रहा है या होना चाहता है तातियाना से, पर ये वक्त सही नहीं है। और रियल मैन यही जानते हैं, वो ये जानते हैं कि उनको कब सिड्यूस होना है, उनको नहीं होना है, क्योंकि उनके पास एक पावर है, दैट इज कॉन्शियसनेस। मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस। इसी के साथ जब तातियाना उनके फेस को छूती है तो यू नो टॉमी एक ऐसा लुक दे सकते हैं लाइक ही सिड्यूस, ऐसा कुछ यू नो ढीला पड़ना फेस पे, स्माइल देना या रिएक्ट करना, नहीं, टॉमी न्यूट्रल है क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं अभी पिघला मिशन खराब हो जाएगा। दे चूज, दे डिसाइड, दैट इज वाई दे ओन एज अ लीडर। इसलिए बोलते हैं कुछ ही लोग कुछ ही मेल लीडर बन पाते हैं, क्योंकि सेक्स का पावर या ये समझो ये सब पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो कि लड़की कंट्रोल कर सकती है, पर एक मैन अगर जानता है हाउ टू कंट्रोल इट, देन दैट मैन इज यू नो अनस्टॉपेबल, यू कैन से। इसी के साथ एक गोल्डन रूल को अपने दिमाग में बैठा लो, जितना लो स्टेटस का मैन होगा ना, उसको कोई भी लड़की उतने ही आसान से सिड्यूस कर सकती है। एक लो क्वालिटी मैन क्या होगा, उसको हर वक्त क्या चाहिए, सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी। तो कोई भी लड़की आके कोई उसके सामने कोई फिजिकल कोई मूव कर देती है, कुछ भी सिडक्शन वाले मूव्स दिखा देती है, वो लड़का गया। लेकिन एक हाई स्टैंडर्ड मैन बहुत ही टफ होता है पाना, उसको सिड्यूस करना इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि अपने वो सेंसेस का, अपने इंद्रियों का, जो बोलते हैं ना आँख नाक कान त्वचा मुंह जीभ, इन सब का वो मास्टर होता है। श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में गीता में बात की है, जो अपने सिक्स सेंसेस का मास्टर होता है ना, उसको कोई ताकत नहीं हिला सकती। समझो ना, हम आंखों से ही क्या करते हैं, पॉर्न या सेक्स की वाली चीज़ें देखते हैं, हम मुंह से ही गंदी गंदी बातें करते हैं, हम अपनी त्वचा से ही चीज़ों को फील करते हैं, और जो ये सब बेसिक इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, जबान से भी उठपटांग चीज़ें खाते हैं, तो क्या वो नहीं हासिल कर सकता। थिंक, ये चैनल बहुत डीप बातें करता है और मुझे मज़ा भी आता है, इसलिए मैं खुल के बिना टाइमर लगा के बातें करता हूँ लंबे समय तक। कैमरा आपके सामने ऑन है एंड आई टॉक इन अ ओपन मैनर। तो ये थे कुछ यू नो इस बॉडी लैंग्वेज क्लिप के थ्रू आपके लिए सिडक्शन के कुछ नॉलेज लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। लड़कियों को तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, उनके पास तो पावर है सिडक्शन का, दे आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल, दे आर ऑलरेडी कैरिज्मेटिक, वो जहाँ जाए वो चीज़ों को अपने बॉडी कंट्रोल कर सकती हैं। पर यहाँ पे मेन को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मेन पर्पज़ के बिना अधूरा है, तो इस तरह आपको चीज़ें करनी है। अब ये क्लिप देखो, ये भी बहुत वायरल क्लिप है, बहुत लोग इसको देखते हैं, बिली किम्बर और थॉमस शेल्बी के बीच का कॉन्वर्सेशन है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, कैसे डोमिनेंस शो की जाती है। पहले चेकआउट करो। I said, is there any man here named Shelby? How to get these men a drink? Everyone else go home. तो जब बिली टॉमी के क्लब में बार में घुसता है तो वो पहले शूट करता है, और शूट से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पर टॉमी को पता होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो देखो कैसे टॉमी इजीली एंटर करता है और एक डोमिनेंस दिखाता है कि उसे डर नहीं लगता, वो उस एरिया का मालिक है। और ये तभी होता है व्हेन यू ओन योरसेल्फ, व्हेन यू नो दैट हु यू आर। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने ऊपर काम करो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारी पावर क्या है।
तो बिली उसे डराने की कोशिश करता है भाई शूटिंग, बट ऐसा यू नो टॉमी को कुछ हिला नहीं सकता। टॉमी फिर एंटर करता है, इवन टॉमी फिर उसको ऑफर करता है कुछ ड्रिंक के लिए, कुछ ड्रिंक है, हम लोग बैठते हैं, बैठ के बातें करते हैं और बोलता है कि ड्रिंक आप लेकर आइए। इस तरह ये दिखाता है कि मुझे डर नहीं लगता, और ये भी दिखाता है कि तुम एक्चुअली में मेरे एरिया में हो तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ये चीज़ वो सिग्नल कर रहा है। और मैं ये तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, ये बिना साइलेंस के, बिना काम पर्सनालिटी के पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम एक रेस्टलेस इंसान हो, परेशान रहते हो, तुम पे डर जाते हो, लोगों को डराते हो, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी कभी भी काम नहीं हो सकती। और साइलेंस में मास्टरी करनी, तो मैंने इसके ऊपर लगभग 25 मिनट का वीडियो बनाया है और इसको लगभग अभी तक 280,000 लोगों ने लगभग देख लिया है। तो यू कांट मिस दिस पावरफुल वीडियो। तुम साइलेंस की पावर को समझोगे, और साइलेंस में मास्टरी जो कर लेता है ना, बिलीव मी, बस कोई भी फील्ड हो उसका तबाही मचाना 100% श्योर है। By the way, which one am I talking to? Who's the boss? Well, I'm the oldest. Clearly. Are you laughing at my brother? Right, he's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. अब तुम देखोगे बिली पूछ रहा है हु इज द बॉस, तो टॉमी अपने सिगरेट को जलाता है, चुपचाप बैठ के देखता है, उसके आई कॉन्टैक्ट को देखो, बिल्कुल नहीं डर रहा है, चाहे उसके सामने कोई बड़ा पावरफुल आदमी है, कोई गोली बंदूक लेकर खड़ा है, ही इज ओनिंग द प्लेस। और उसी के बीच में उसका बड़ा भाई चिल्ला के बोलता है, आई एम द बिग वन सो आई एम द लीडर, ऐसा कुछ होता है। पर टॉमी चिल्ला के नहीं बोला, देखो देखो मैं लीडर हूँ, नहीं, उसका बॉडी लैंग्वेज बोलेगा। और बिली ये चीज़ को सेंस कर पाता है कि यू नो ये फेक आदमी है, ये है बड़ा, पर इसमें बड़ी वाली बातें नहीं है। और फिर छोटे वाला भाई भी कूद पड़ता है, फिर उसको भी वो रोकता है कि यू आर अ फैट चबी गाय एंड ऑल, और फिर वो बोलता है कि आई सेंस यू आर द बॉस, क्योंकि उसके देखने का तरीका देखो, वो कैसे साइलेंटली देख रहा है, कैसे साइलेंटली बिली को ऑब्जर्व कर रहा है। और बिली चीज समझ गया कि ये बंदे में कुछ बात है, ये अपनी साइलेंस से कुछ प्रूव करना चाह रहा है, और साइलेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये चीज़ आप भी सेंस कर पाते हो कि जब आप कहीं पे गए हो, आपको दिख रहा है किसी का कॉन्फिडेंस, यू नो आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल प्रॉपर जगह पे है, उसका सर ऊपर है, यू नो वो साइलेंसली चीज़ों को ऑब्जर्व सही से कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं समझ जाते हो कि इसमें कुछ तो बात है। तो इस तरह बिली भी समझ गया कि इसका यू नो टॉमी का सर बिल्कुल ऊपर है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मुझे देख रहा है और साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब इसमें कुछ तो बात है, क्योंकि रेस्टलेस जैसा साउंड नहीं कर रहा है ये। और फिर उसके बाद टॉमी बोलते हैं, तो टॉमी जैसे ही बोलता है आप देखो कि बिली उसको थोड़ी देर के लिए देखता है। ये होता है पावर जब रुक कर, ठहर कर टू द पॉइंट बात करते हो, क्योंकि आप जब रुक कर बोलते हो ना, सोच कर बोलते हो, समझ कर बोलते हो, आपके दिमाग में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते हैं। वरना एक बड़बोले को इमेजिन करो, वो कैसे बोलता है, जो दिल में आया, मैं कुली किताब हूं, मैं बहुत बोलता हूं, मैं बहुत अट्रैक्टिव हूं, पीपल मे सी यू फॉर अ शॉर्ट टाइम कि आप बहुत कूल हो, मजाकिया हो, पर आपको लीडर की तरह नहीं देखेंगे। और हमारा गोल सारे चैनल के थ्रू है आपको पीक पोटेंशियल लीडर्स बनाना, आपको पीक पोटेंशियल पे लेके जाना, तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ साइलेंस पे मास्टरी करना। और इसी के साथ आपको याद है मैंने लॉ नंबर 26 में शायद शेयर किया था 3P रूल, जिसमें पहला रूल था पेशेंस, दूसरा रूल था प्रवोकिंग, एंड तीसरा था प्लानिंग। तो आप यहाँ देखोगे कि टॉमी सेकेंड रूल को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, दैट इज प्रोवोकिंग। मैंने कहा था कि अपने आप को आप शांत रखना सीखिए पावर लॉ के अकॉर्डिंग, और सामने वाले की इमोशंस को भड़काना सीखिए, क्योंकि जितना सामने वाला इमोशनल होगा, जितना गुस्सा करेगा, जितना हंसेगा, जितना चिल्लाएगा, जितना रोएगा, जितना सरप्राइज होगा, जितने उसके इमोशनल पार्ट हाई पे होंगे, आप उतना उसको कमांड में ले सकते हो। और टॉमी यही कर रहा है यहाँ पे, उसको प्रोवोक कर रहा है बिली को। और फिर बिली क्या करता है, डेस्क पीटता है जोर से, और फिर अपने इमोशन को खूब चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा ये वो। बट टॉमी इज लाइक जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आप देखोगे कि जैसे ही बिली बोलना बंद कर देता है, थक जाता है, या उसको पता चल जाता है कि कौन यहाँ पर रियल में बॉस है, फिर टॉमी बोलना शुरू करता है आफ्टर अ लॉन्ग पॉज, साइलेंस एंड अ डीप लिसनिंग। लुक एट इट, दैट इज माय नेम, एंड इट्स फ्रॉम द ली फैमिली, यू आर आल्सो एट वॉर विद द लीज, मिस्टर किम्बर, एम आई राइट? द लीज आर अटैकिंग योर बुकीज एंड टेकिंग योर मनी, योर मेन कांट कंट्रोल देम, यू नीड हेल्प। Perhaps we should listen to what Mr. Shelby has to say. फिर उसका मैनेजर अकाउंटेंट जो भी होता है वो भी सुनता है, और वो भी बिली भी सुनता है। ये है पावर। सो कैसा लगा ये पांचों का पांचों डीप एनालिसिस, सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि इसकी बहुत हाई डिमांड थी। बहुत लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ बॉडी लैंग्वेज पे डीप वीडियो एक लेकर आओ एनालिसिस करके। तो मैंने सोचा कि किलियन मर्फी से अच्छा कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता है। और इसी के साथ मुझे ये भी बताओ कि
ऐसे और आपको डीप वीडियोस चाहिए एनालिसिस वाले, थोड़े लंबे होते हैं पर काफ़ी डीप जाते हैं हम लोग बॉडी लैंग्वेज में, वरना ऊपर ऊपर आके मैं आके बातें कर दूँ कि आई कॉन्टैक्ट ऐसे रखो, हाथ ऐसे ऐसे चलाओ, ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हो तो ज़्यादा डीप लेवल की लर्निंग हो जाती है। अब आप कभी नहीं भूलोगे टॉमी के एग्जांपल के थ्रू कि साइलेंट क्यों रहना है, डीप वॉइस क्यों यूज़ करना है, यू नो आई कॉन्टैक्टिंग कैसे करना है, प्रॉपर समझ पा रहे होगे। तो बताओ मुझे, और कोई बढ़िया टॉपिक और है कोई सजेस्ट जरूर करना, क्योंकि मैं और मेरी टीम लुकआउट करते रहते हैं कमेंट्स के अंदर, अच्छा हुआ तो जरूर से वीडियो बनेगा। इसी के साथ जो लोग नए लोग आ रखे हैं चैनल के ऊपर उनसे यही बोलूंगा कि पहले आप चेकआउट कीजिए वीडियोस। अगर आपको लगता है कि आपके समय की बर्बादी नहीं, कुछ नया आप चैनल पे बन रहे हो, कुछ नया नहीं बेस्ट वर्जन अपना बन रहे हो, पीक पोटेंशियल पे जा रहे हो, तभी सब्सक्राइब करना, वरना बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल क्वालिटी पीपल चाहता हूँ जो वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और उस चीज़ को एग्जीक्यूट भी करते हैं। चलो फिर मिलते हैं ऐसी पावरफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।